मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और जिम्मेदार विभाग मौन धारण किए हैं। यहाँ की चंबल नदी के सैकड़ों घाटों से रेत माफियाओं के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन जारी है। लगभग हर थाना क्षेत्र से प्रतिदिन बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। थाने और माफियाओं के बीच मौजूद गठजोड़ के कारण ये अवैध कारोबार लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस संबंध में जब घड़ियाल विभाग के रेंज अधिकारी KM त्रिपाठी से जानकारी ली गई तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही। हालांकि इसके पहले भी रेत के अवैध कारोबार से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं और जिसके कई प्रमाण भी हैं, लेकिन इसके बावजूद विभाग रेत माफियाओं पर इतना मेहरबान क्यों है, ये समझ से परे है।